तो चलिए दोस्तों हम स्टार्ट कर लेते हैं हमारा जो रहेगा लोअर डिवीजन क्लर्क जो फील्ड कैडर का था आपका, ये आपका बिजली बोर्ड हरियाणा का जो पेपर था उसमें हम देखिए मोस्टली इसमें मैंने पहले ही बताया था हम पढ़ेंगे आपकी हिंदी जीके और साइंस, क्योंकि दोस्तों मैथ्स रीजनिंग और इंग्लिश वहाँ आपको प्रैक्टिकली पढ़नी होती हैं कि किस तरह से क्या बनेगा। तो हम ये तीन चीज़ें रिवाइज करेंगे और एक पूरी सीरीज आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं ज़्यादा टाइम ना लेते हुए क्वेश्चंस अपने जल्दी जल्दी से। तो सबसे पहले जो क्वेश्चंस आप देख रहे हो निम्नलिखित विकल्पों में से नीचे दिए गए पर्यायवाची शब्द छांटना है जी। तो अरण्य का क्या होगा, वन, क्या होगा वन। सेकेंड जो क्वेश्चन है निम्नलिखित विकल्पों में से दिए गए ये भी नेक्स्ट भी पर्यायवाची ही छांटना है आपको, तो औचक का क्या होगा, सहसा, ठीक है। और उसके बाद नीचे आएगा फिर से पर्यायवाची विडौजा उसका रहेगा सुरपति। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है गतिवान का विलोम विपरीत क्या होगा, वो रहेगा आपका गतिवान का गतिहीन। और उसके बाद नीचे है नीचे दिए हुए मुहावरों का अर्थ, उचित अर्थ चुनिए, तो गागर में सागर भरना संक्षिप्त में विस्तार में कहना, ठीक है। गागर में सागर बनना का क्या रहेगा, संक्षिप्त बात को विस्तृत में कहना। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा नीचे दिए मुहावरे का उचित अर्थ ही चुनना है, खुशामदी टट्टू तो क्या है, मुंह देखी करना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा निम्नलिखित विकल्पों में से दिए गए शब्द का एक वचन आपको चुनना है, गौए तो इसका रहेगा गौ, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नीचे दिए गए शब्दों का बहुवचन रूप चुनना है, बहुवचन रूप चुनना है हमें इसका, और ये है गृहिणी तो गृहिणिया, ठीक है। और इसके बाद नेक्स्ट है नीचे फिर से बहुवचन माता है तो क्या रहेगा, माता श्री माताएं माताओं, तो बी और सी, बी और सी, तो यहाँ पे डी ऑप्शन में दे रखा है, बी और सी दोनों आएंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका फिर से बहुवचन हमें छाटना है, तो यहाँ पे आपका रहेगा बहुवचन यू का यू जन, ठीक है। और ठीक है दोस्तों इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है शिवाजी के दरबार में सेवा करने वाले मंत्रिपरिषद का नाम क्या है। दोस्तों अब आ गए हैं जीके के ऊपर, जीके का लंबा चैप्टर रहेगा। तो शिवाजी के दरबार में जो मंत्रिपरिषद का क्या नाम था, अष्ट प्रधान। और उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है सत्यमेव जयते पहली बार किसके द्वारा सुनाया गया था, मदन मोहन मालवीय। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका शिबू सोरेन ये इसमें झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में तीन बार कार्य किसने किया है, शिबू सोरेन ने तीन बार झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया है। और नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से किस द्वीप के एक सक्रिय ज्वालामुखी है, किस द्वीप पर एक सक्रिय मुख्य ज्वालामुखी है, वो है अंडमान द्वीप समूह के ऊपर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप बात करोगे तो इसमें से कौन सी एक असुरक्षित प्रजाति है, असुरक्षित प्रजाति कौन सी है इसके अंदर, वो रहेगा आपका रेखांकित बिल्ली। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 है आपका खाद्यान्न की खरीद और भंडारण के लिए कौन सा संस्थान जिम्मेदार है, तो क्या रहेगा FCI फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, FCI। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 है आपका हमारा राष्ट्रीय ध्वज सबसे पहले विदेशों में कहाँ फहराया गया था, और रहेगा हमारा जर्मनी के अंदर। देखो दोस्तों ये दो तरह से क्वेश्चन होता है, किस देश में फहराया गया था तो जर्मनी आएगा, और उस देश में किस जगह पर फहराया गया था अगर इस थोड़ा सा और जाएगा तो हम लिखेंगे स्टटगार्ट जर्मनी के अंदर। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपका निम्न में से कौन सा बैंक लोगों को त्रिवेणी संगम का प्रतिनिधित्व करता है, और रहेगा इलाहाबाद बैंक, ठीक है। हो सकता है कि क्वेश्चंस ना भी आए क्योंकि बैंकों के मर्जर के बाद अगर आपके कोई क्वेश्चंस इस तरह का शायद ही नहीं आएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो दिल्ली सल्तनत का अंतिम राजवंश था जिसकी स्थापना बहाउल खान लोदी ने की थी, तो लोदी वंश दिल्ली का जो आखिरी अंतिम राजवंश था जिसकी स्थापना किसने, बहुल खान लोदी ने की थी। उसके बाद नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 30
थर्टी क्वेश्चन है आपका, झज्जर के नवाब के रूप में किसे जाना जाता था? तो ये रहेगा आपका अब्दुल रहमान खान को। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 31 है, लोकप्रिय हरियाणा के ग्रैंड ओल्ड मैन के रूप में किसे जाना जाता है? और आपका आंसर रहेगा पंडित श्रीराम शर्मा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 32, कौन सी योजना राज्य में 1,00,000 सौर प्रकाश उपकरणों की स्थापना के लिए हरियाणा में 27 अक्टूबर 2018 को लागू की गई थी? तो आपका आंसर रहेगा मनोहर ज्योति। तो आपका ये डबल क्वेश्चन हो सकता है, मनोहर ज्योति योजना है वो कब शुरू की गई थी? 27 अक्टूबर 2018 को लागू की गई थी, इसे उल्टा भी हो सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आएगा, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 1299 करोड़ रुपए की लागत से हरियाणा में नए एम्स की स्थापना को मंजूरी कहां पर दी है? कौन सी जगह और दी है, कहां पे? मनेठी में, ठीक है। और उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, हरियाणा में खेल के क्षेत्र में 2019 के लिए पद्मश्री पुरस्कार किसे मिला था? और बजरंग पुनिया, कुश्ती में बजरंग पुनिया को मिला था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 35, हरियाणा सरकार ने राज्य के छात्रों की मदद के लिए शिक्षा हेतु शिक्षा सेतु नामक एक ऐप को लॉन्च किया था, शिक्षा सेतु ऐप, और वो कब किया था? वो किया था 19 दिसंबर 2018 को। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हरियाणा में किस गांव में हर सुबह राष्ट्र गान गाने वाला पहला गांव बन गया है? या कहो हरियाणा के ऐसा कौन सा गांव जहां पर हर सुबह राष्ट्रगान गाया जाता है? और आपका आंसर रहेगा भरतपुर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, संत गरीबदास हरियाणा के किस जिले से संबंधित थे? और आपका रहेगा झज्जर। उसके बाद 38, उर्दू साहित्य दस्ताना मजदूर किसने लिखी थी? और आपका आंसर रहेगा भागीरथ लाल चकमी। बिजनौरी भाषा का सबसे शुद्ध रूप है, किस भाषा का सबसे शुद्ध रूप है बिजनौरी? और आपका आंसर रहेगा कौरवी। क्वेश्चन नंबर 40 है, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की पांडुलिपि संग्रहालय के नाथ समुदाय में कितने ग्रंथ मिले हैं? और आपका आंसर रहेगा 5। क्वेश्चन नंबर 41 है, भारत सरकार द्वारा 3 जून 2009 को पक्षी अभयारण्य घोषित किया गया है, किसे गया किया गया है? भिंडावास। भिंडावास को पक्षी अभयारण्य कब घोषित किया गया? 3 जून 2009। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अंबाला और कैथल जिले की मिट्टी का रंग कैसा है? पीला थूसर, ठीक है, पीला थूसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिपली मिनी चिड़ियाघर हरियाणा में कहां पर है? पिपली हरियाणा में किस जगह पर है? कुरुक्षेत्र के अंदर है, और पिपली में क्या ये मिनी चिड़ियाघर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा आपका, हरियाणा के बागवानी विभाग ने 2016 तक बागवानी की खेती के क्षेत्र को 7 से कितने प्रतिशत तक बढ़ाने की योजना बनाई थी? 25% तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसके बाद गुरुग्राम को किसके साथ जोड़ने वाला रेलमार्ग हरियाणा का सबसे पुराना और सबसे बड़े जंक्शन में से एक है? ऐसा कौन सा मार्ग है? रेवाड़ी गुड़गांव से जोड़ने वाला रेल मार्ग है, हरियाणा का सबसे पुराना और सबसे बड़ा जंक्शन में से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सचर फॉर्मूला के अनुसार हरियाणा को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में बांटा गया है। नेक्स्ट है 47 क्या है, ने हरियाणा को क्षेत्र को अधिधनाक्य कहा? तो किसने कहा था हरियाणा के क्षेत्र को हरिधनाक्य? तो आपका आंसर रहेगा इसके अंदर, आपका आंसर रहेगा राहुल सकरदान। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हरियाणा के अक्षेत्र को हरियल किसने कहा था? आंसर रहेगा यदुनाथ सरकार। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका 49, हरियाणा की महिलाएं कंगन किस अंग में पहनती हैं? इस पे भी हम एक वीडियो बनाएंगे जल्दी, कौन कौन से आभूषण होते हैं हरियाणा में और जो पहनती हैं, ठीक है, तो इस पे जल्दी एक वीडियो आएगा। और जो कंगन पहनती है वो कहाँ पे? कलाई में पहनती हैं, ठीक है।
और नाक में नाथ, कान में बालियां, ठीक है, कंठी जो पैरती हो गर्दन। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा 50, किसको हरियाणा के लोगों द्वारा बुरा शगुन माना जाता है, आंख फड़कना को बुरा शगुन माना जाता है। और 51 है, फूल हरियाणा की एक पारंपरिक आभूषण है जो महिलाओं द्वारा कहां पर फूल होता है, सिर के ऊपर, ठीक है। आपने हरियाणवी सॉन्ग भी सुना होगा एक फूल माथे वाला। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 52, दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर किस पर आधारित हैं, आपके ट्रांजिस्टर पर आधारित हैं दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर। एक कंप्यूटर कीबोर्ड कितने प्रकार का नहीं हो सकता, वन पिंडिन का, ठीक है, वन पिंडिन प्रकार का नहीं हो सकता। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीमेल मेल को कितनी श्रेणियों में प्रतिनिधित्व करता है, तीन में करता है, कितने में, तीन में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, शॉर्टकट वर्तमान कार्यक्रम के फाइल मेनू विकल्पों तक पहुंचने में मदद करता है, कंट्रोल एफ, क्या करता है, कंट्रोल एफ। उसके बाद 56 है, एक ऐसे निर्देश संग्रहित करता है जो कंप्यूटर शुरू करने में आवश्यक है, रोम, क्या करता है, रोम, एक रोम ऐसे निर्देश संग्रहित करता है जो कंप्यूटर शुरू करने में आवश्यक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य नहीं है, उपकरणों को सीमित ट्रैकिंग, ठीक है, ट्रैकिंग का काम नहीं है, ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य नहीं है ट्रैकिंग का। और उसके बाद नेक्स्ट है, वह उपकरण जिसका उपयोग वास्तुचित्र भूकंपीय तरंगों की छवियों को प्राप्त करने के लिए किया जाता है, वो क्या आता है, प्लॉटर। उसके बाद नेक्स्ट है, हमें हस्ताक्षरों के लेखक दिनांक और समय को स्थापित करने, संदेश सामग्री को प्रमाणित करने हेतु अनुमति होते हैं डिजिटल साइन, जैसे कि आपके आजकल जो नए तहसील के कामों में आते हैं डिजिटल साइंस सिग्नेचर, सॉरी डिजिटल सिग्नेचर जो आते हैं, जो वैसे ही जैसे लगता है कंप्यूटराइज हैं, तो डिजिटल सिग्नेचर उन्हें कहते हैं हम। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 60 है आपका, बिन कोच ने इनमें से जो जो अलग है, टेनिस, फुटबॉल, बास्केटबॉल और रग्बी, तो इसमें अलग कौन सा रहेगा, टेनिस, क्योंकि फुटबॉल, बास्केटबॉल, रग्बी, इन तीनों में तो क्या है, लंबे ग्राउंड्स पे और ग्राउंड पे और इसके साथ बॉल होती है इनके पास, लेकिन टेनिस में वो छोटी बॉल होती है। तो इसके बाद हम बात करें, इसके बाद हमारे पास साइंस का पोर्शन है, तो साइंस में अगर हम बात करेंगे तो एक चालक में उत्पन्न ऊष्मा इसके खालिस्तान के समानुपातिक होती है। देखो जितनी उसमें ऊष्मा हो रही है, जितनी उसमें ऊष्मा हो रही है, इसका मतलब उसके अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी है, मैं सिंपल कहूँ तो जो बिजली है वो रुक रुक के जा रही है, तो इसका मतलब उसका प्रतिरोध जितना ज़्यादा है उतनी उसकी ऊष्मा ज़्यादा होगी। तो वो किस पे डिपेंड करता है, उसकी ऊष्मा उसके प्रतिरोध के ऊपर, तो जितना उसका प्रतिरोध, जितना प्रतिरोध मतलब जितना उसको वो रोकने की कोशिश करता है प्रतिरोध, उतनी ज्यादा उसमें उष्मा होगी। तो आपका आंसर रहेगा यहाँ पे प्रतिरोध, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश की अनुपस्थित प्रकृति को खालिस्तान द्वारा सर्वोत्तम रूप से समझाया गया है, आपका आंसर रहेगा ध्रुवीकरण। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत परमाणुओं के आणविक कक्षा के इलेक्ट्रॉनों के भरने की व्याख्या नहीं करता है, डी ब्रोगली सिद्धांत, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका, निम्न में से कौन सी जोड़ी गलत है, तो देखते हैं, तांबा गलाने वाली प्रक्रिया और लीड फ्लोटेशन प्रक्रिया, जस्ता, मेकआर्थर और फॉरेस्ट की साइनाइड प्रक्रिया, तो ये अलग है, इन दोनों में, इन सभी में अलग है, क्रोमियम ठीक है, और ये अलग है, जस्ता, मेकआर्थर और फॉरेस्ट की साइनाइड प्रक्रिया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
89। गुणसूत्र संख्या में भिन्नता है जो गुणसूत्रों के सेट के दोहराव के कारण होती है, और आपका रहेगा आंसर रहेगा यूप्लॉइडी। उसके बाद जो लास्ट क्वेश्चन आपका वह है पोलियोरिया, पोलिडिप्सिया और पोलिफेगिया निम्नलिखित में से किस बीमारी के लक्षण है, और आपका आंसर रहेगा मधुमेह, मधुमेह। तो दोस्तों इस तरह से आप हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं यहाँ पे हरियाणा जीके और साइंस और हिंदी। आपका बचता है यहाँ पे मैथ रीजनिंग। देखो मैथ रीजनिंग आपको प्रैक्टिस कॉपी पे करनी पड़ेगी, और इंग्लिश है वो भी आपको सेंटेंस में किस तरह से होती है, सिनोनियम होती है वो किस तरह से, वो आपकी पूरी लिस्ट आएगी वहां पे आपको याद करनी पड़ेगी। तो ये सिर्फ ऐसी चीजें हैं, ये तीन जो सब्जेक्ट हैं पार्ट हैं इसके, ये इस तरह के हैं कि आप आसानी से इनको सिर्फ आपको रिवाइज करना है, ठीक है। तो जितने ज़्यादा क्वेश्चन आपको इसके अंदर मिलेंगे आप उसको इतना ही आपको इसमें बेनिफिट रहेगा, ठीक है दोस्तों। तो इसको कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इस तरह के वीडियोज आपको बार बार पहुँचते रहे, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, और अगर आप इसमें कुछ एक्स्ट्रा चाहते हैं, कुछ सुझाव है तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। तो दोस्तों फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।